नमस्कार दोस्तों, खबर एक्सपोज में आपका स्वागत है। इस समय हम खंडवा जिला मुख्यालय से करीब 60 किलोमीटर दूर सुलगांव में आए हुए हैं। कल एक मामला यहां का एक बड़ा मामला सामने आने के बाद पोस्ट ऑफिस विभाग में हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि पोस्ट ऑफिस विभाग का यहां पर जो पोस्टमैन था उनने कई लोगों के पैसे ले लिए हैं और उस उक्त मामले में आर्थिक अनियमितता को लेकर गांव के लोगों ने, जिन्होंने खाते खुलवाए थे, जो नियमित रूप से पैसा जमा कर रहे थे, तो कई लोग ऐसे जिनकी लाखों रुपए की राशि विभाग के नाम पर उक्त पोस्टमैन ने जमा करा ली, लेकिन जब उन्होंने डायरियों को वरिष्ठ अधिकारियों तक जाके अपनी डायरियां की जांच कराई तो उसमें उनके पैसे नहीं मिले, तो इसको लेकर हड़कंप मचा हुआ है। और इस पूरे मामले के ऊपर जांच करने के लिए पोस्ट ऑफिस विभाग के संभागीय अधिकारी सुलगांव में पहुंचे हुए हैं। तो इसी खबर को कवरेज करने के लिए हम गांव में आए हुए हैं। यहां पर हमारी मुलाकात कई ऐसे लोगों से हुई जो बेहद ही गरीब परिवार के हैं और जैसे तैसे अपने परिवार का गुजर बसर करते हैं और अपनी छोटी छोटी बचतें एकत्रित इसलिए कर रहे थे क्योंकि वो उनके भविष्य के लिए वे अपनी योजना रखते थे, भविष्य में वो पैसा उनके काम आए, इसकी उनकी प्लानिंग थी। लेकिन उनका पैसा यहाँ पर जमा करने के बाद जब उनको इस तरह की चीजें सामने आई कि वे धोखाधड़ी का शिकार हो गए, तो इसको लेकर सुलगांव में हड़कंप मचा हुआ है। और जानकार सूत्रों के मुताबिक इस पूरे मामले में यदि गंभीरता से जांच हो जाए, इस मामले की यदि जांच वरिष्ठ अधिकारी कर रहे हैं, तो करोड़ों रुपए का घोटाला भी सामने आ सकता है। भ्रष्टाचार करने वाले जो यहाँ के पोस्टमैन है उसको विभाग द्वारा सस्पेंड कर दिया गया है। और जानकारी के मुताबिक गांव के लोगों ने उक्त पोस्टमैन से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन वो ये गांव छोड़कर कहीं चला गया है। तो हम यहां पर आए हैं, लोगों से हम बात करेंगे। आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में यहां पर लोग अपनी अपनी पोस्ट ऑफिस की डायरियां लेकर खड़े हुए हैं और हर व्यक्ति की एक अलग पीड़ा है, हर व्यक्ति की अमाउंट जो है वो अलग है और जो राशि है वो लाखों रुपए में है। तो हम गाँव के लोगों से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि उन्होंने किस तरह से एक एक रुपये एकत्रित कर अपनी जो राशियाँ है वो विभाग के पोस्टमैन के पास जमा कराई और आज उनके सामने किस तरह का आर्थिक संकट खड़ा हो चुका है। तो खबर को पूरा देखने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि जनता से जुड़ी हर खबर आपको सबसे पहले मिल सके। भैया क्या नाम है आपका? राकेश जी। आप यही गाँव के ही रहने वाले? आज के रहने जी। क्या कहना चाहेंगे, आपके साथ क्या हुआ है? ये मेरे साथ में तीन डायरी बच्ची की है जी, वो डायरी क्या मालूम कैसा क्या लपका करा अभी उसको कहीं कानून में नहीं आ रहा है। अच्छा, मतलब आपने पैसे जमा करे थे बच्चियों के नाम? बच्ची के नाम से कर रहे हैं महीने से। अच्छा, आप क्या करते हैं? मिस्त्री का काम करते हैं। तो राकेश भाई जो हैं इस गांव के रहने वाले हैं, मेहनत मजदूरी करके अपना घर परिवार चलाते हैं। तो राकेश भाई अपनी बच्चियों के नाम से नियमित रूप से बचत करते रहे हैं, लेकिन आज इनको ऐसा लग रहा है कि साथ धोखाधड़ी हुई है। और भी लोग मौजूद है। अम्मा क्या नाम है आपका? सेवंती भाई। आप यही गांव की रहने वाली? यही के रहने वाली हूँ। मैंने शुक्रवार के रोज एफडी तोड़ दी है। हाँ। और मेरे साइन ले लिए, आप मेरे को पैसे नहीं मिले और मेरी डायरिया सब यहीं पे रखी है। अच्छा। मेरे को डायरी नहीं दे रहा है। अच्छा, तो मैं तो मजदूर। आपने जमा किए? 1.5 लाख रूपए। 1.5 लाख रूपए जमा किए? हाँ, मैंने तो 200 की धाड़की भी करी है, 50 की धाड़की भी करी है और मैंने मजदूरी करके पैसे रखे। अच्छा, मेरे आप पैसे मेरे हाथ में नहीं आए, आपको मेरे को पैसे दिला सकते हो? अच्छा, मतलब यहाँ पे जो अधिकारियों ना आए पोस्ट ऑफिस विभाग के, उनको आपने अपनी बात बता दी? सब बता दी और डायरी भी सबके सामने उसने खोल के बताई, मेरी 100 डायरी बन गई जी। उनने बताई कि ये 100 डायरी माँ तुम्हारी है जी, तो उनने मेरे को एक भी नहीं दी और एफडी का कागज भी उसी में रखा है। अच्छा, तो जिसको आपने पैसे दिए उनका क्या नाम है? उसका नाम क्या है? सुनील खेड़े। हाँ। अच्छा ठीक है, और भी लोग दिए? अच्छा, और भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे। आपका क्या नाम है? मेरा नाम वंदना है, मेरे भतीजे के नाम से उसके पिताजी ने, सौतेले पिताजी ने 50,000 जमा किए थे जो सुनील बाबू जी को दिए थे। उन्होंने पासबुक बना के दिए, उस पर भी सिर्फ 500 रूपए डाले हैं, बाकी 50,000 कहीं से कहीं तक नहीं। आपने 50,000 जमा किए थे? हाँ। अच्छा, और उन्होंने खुद ने गोला लगाया है। अच्छा, तो आपने 50,000 जमा किए? 50,000 जमा किए थे, बोले 10 साल की एफडी है जी, 10 साल की एफडी करवाई थी। अच्छा, और ऐसा घोटाला हो गया तो हमने पासबुक जाके वहाँ चेक करवाया, इसमें कुछ नहीं है। अच्छा, तो इसमें क्या 5,000 रुपए दिख रहा है? हाँ। एक मिनट में दिखाना चाहूंगा। हम हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे कि इन्होंने 50,000 रुपए की एफडी अपने भविष्य के लिए अपनी बचत के रूप में पैसे इकट्ठे करके किए थे, लेकिन इनसे 50,000 रुपए ले लिए गए और केवल एंट्री जो हुई वरिष्ठ कार्यालय में जाकर इन्होंने जब बात की तो केवल 5,000 रुपए उसमें जमा हुए। आप देख सकते हैं कि 50,000 रुपए को नीचे 5,000 रुपए कर दिया गया है। तो इनके साथ इस तरह से धोखाधड़ी हुई है। और भी लोग मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे क्या कहना है लोगों का। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम धन सिंह चौहान है। अच्छा, चौहान साहब क्या कहेंगे आप?
साहब ये कहूंगा, मैंने मेरी माँ के नाम से एक 1,84,000 जमा है इसमें। अच्छा। और ये खाता जब मैं निमाड़खेड़ी मुख्य डाकघर दिखाने गया तो इस नाम का खाता ही नहीं है। अच्छा। और ये बकायदा इसमें उन्होंने ये IPM की सील लगाई हुई है। अच्छा। और 1,84,000 हाथ से 1,84,374 रुपए लिखे हुए। अच्छा। तो वहाँ के जो अधिकारी हैं उन्होंने क्या कहा इस बारे? उन्होंने कहा कि ये सुमन भाई के नाम का कोई खाता नहीं है। खाता ही नहीं है जी। और ये जो खाता नंबर है 134829, बोले ये 6 अंकों का हमारे यहाँ कोई खाता नहीं होता। मतलब ये पासबुक जो दी गई है ये फर्जी पासबुक ये है। हाँ, वो निमाड़खेड़ी वाले बोले कि ये आपकी पासबुक फर्जी है। अच्छा। उसके बाद में मेरे पिताजी के नाम से 1,00,000 रुपए की जमा है जी। वो उसका भी उन्होंने बताया ये जोरावर सिंह जी के नाम से जी। इस नाम से भी बोले ये नंबर का बोले कोई खाता नहीं है। अच्छा। आपके पास कुल कितनी डायरिया है? मेरे पास 6 डायरिया है साहब। अच्छा। तो ये 6 की आपने वहाँ जांच करवाए जाके जी? तो पूरी 6 के बारे में यही बात बोली गई? नहीं, एक मेरे स्वयं के नाम से जो है इसका खाता भी सही निकला जी। और इसमें 14,000 रुपए जमा बता रहे हैं। अच्छा। बाकी लगभग 3-3.25 लाख रुपए ये डायरियों में तो है लेकिन वहाँ पर नहीं है, वहाँ पे जमा नहीं हुआ जी। बाकी इसके ऊपर दर्ज है जी? सिर्फ एक डायरी बस। ठीक है। और भी लोग हैं, क्या नाम है भाई आपका? मेरा नाम राहुल बिरला है। बिरला जी क्या कहेंगे आप? मैंने अभी FD करवाई थी मेरे दादाजी ने जी, जॉइंट ID से 1,00,000 रुपए की जी। तो वो वहाँ जाके निमाड़खेड़ी जाके चेक करा तो उसमें मतलब कि कोई पैसे नहीं बताया। और आपके जमा कितने हुए? एक यहाँ पर 1,00,000 रुपए उसने मतलब पेन से लिख दिया हुआ है। अच्छा। और सील साइन भी लगाई हुई है। अच्छा। ठीक है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम है गुलाबचंद फुलमाली। फुलमाली जी क्या कहेंगे आप? मैं ये कहूंगा कि मैंने 2 बच्चों के नाम से 1,000 रुपए महीना, 1,000 रुपए हमारी छोटी बच्ची के एक बजाय बड़ी बच्ची के लिए जमा करवाए थे। 5 साल में 60,000 जमा होंगे इसके अंदर जी। और 15,000 रुपए 75,000 रुपए मिलेंगे, 75,500 मिलेंगे जी। लेकिन उनने यहाँ 100 रुपए से खाता खुलवा दिया और शून्य सीधी बढ़ा दी गई। अच्छा। ये 100 रुपए लिखे हुए यहाँ पे और उसने काट के 1,000 रुपए पूरे कर दिए और उन्हें ये चेक करवाया डायरी, बोले खाता बंद है। अच्छा। खाते में पैसे नहीं है और खाता बंद है आपका, खाता है ही नहीं यहाँ पे। अच्छा। मतलब आपके साथ धोखाधड़ी हुई? बिल्कुल, सबके साथ धोखाधड़ी, पूरे गांव के साथ धोखाधड़ी की हुई है। ठीक है। दादा क्या नाम है आपका? नरेंद्र वर्मा। वर्मा जी क्या कहेंगे आप? यही हमारा भी यही है जी। धोखाधड़ी वाला काम है। FD करवाई थी इसमें, इसमें कोई पैसा नहीं बता रहे वो। अच्छा। टोटल पैसा बताओ ये? मतलब 2 लाख वाली अलग करवाई थी, 1,50,000 वाली और ये बाकी एक चालू डायरी है। अच्छा। दादा आप कुछ बोलेंगे? जी हाँ। आपका क्या नाम है? मेरा नाम राजा राम है। आप क्या बोलेंगे? मैं बोलूंगा इसमें 1,81,666 रुपए इसमें जमा है और निमाड़खेड़ी जांच करवाने गया तो आशुतोष के नाम से वहाँ खाता निकला। अच्छा, क्या बात है। हाँ, ये देखो ना, मैं लिख के लाया हूँ। 6,000 बताए। अच्छा। नाम से उसमें 6,000 बता रहा है इसके नाम से। तो आप देख सकते हैं कि ये जो जिस तरह का भ्रष्टाचार और फर्जीवाड़े की जो जानकारी सामने आ रही है तो ये आंकड़ा करोड़ों रुपए में पहुंच सकता है। यहाँ पर जितने भी लोग खड़े हुए हैं सभी पीड़ित हैं और सभी की अपनी एक पीड़ा है। तो यहाँ पर हम और भी लोगों से बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। बहुत कम शब्दों में बता दीजिए आप क्या कहना चाहते हैं। मेरा ये खाता है 21,930 रुपए का जी, और इसमें कुछ पैसे नहीं है। अच्छा। आपके जमा कितने हो गए? 31,930 रुपए। 31,930 रुपए। आप यहीं गांव के ही रहने वाले हैं? और मेरे परिवार के भी हैं, वो डायरी हैं। शेख सलीम नाम है आपका जी। आप क्या करते हैं? ये कटलरी धंधा करता हूं। कटलरी का धंधा करते हैं, तो थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठे करके इसमें डालते रहिए आप? करके इसमें डालते रहे। अच्छा। और आप जाके पता किए तो? कहीं भी नहीं। कहीं भी नहीं है। अच्छा। आपको क्या लगता है ऐसा क्या हुआ है आपके पैसों का? मेरे को क्या मालूम सर, यही मालूम होता है मैं निकाल नहीं ले आता है। अच्छा। ठीक है ना, ठीक है ना। हमारे साथ अमजद मलिक जी मौजूद हैं, गांव के सरपंच रहे हैं, पूर्व उप सरपंच रहे हैं और जनता के मुद्दों पे हमेशा अग्रणी रहते हैं। हम उनसे बात करेंगे, इनके पास भी बड़ी संख्या में लोग अपनी पीड़ा लेकर गए तो इनके द्वारा भी वरिष्ठ अधिकारियों से बात करने के बाद जनता के लिए काम करते हैं ये। हम अमजद मलिक जी से बात करेंगे। आपका स्वागत है, क्या कहेंगे आप? हमारे यहाँ पे पोस्ट ऑफिस खुले काफी टाइम हो गया। अच्छा। पहले इससे पहले भी एक पोस्ट ऑफिस चलाता था सुनील, उसके टाइम पे छोटे छोटे अमाउंट रहते थे। अच्छा। उसने भी सेम इसी टाइम टाइप का एक वो करा था, लोगों के पोस्ट ऑफिस में जमा नहीं करते थे। हाँ। और ये सुनील भाई जो है गांव में बहुत अच्छा व्यवहार बना के लोगों को जोड़ लिया इन्होंने। हाँ। और जोड़ने के बाद में क्या हुआ कि लोगों का विश्वास बना उनके ऊपर और उन्होंने
लाखों रुपए अन्य बैंक नेशनलाइज बैंकों से निकाल के और इनके पास विश्वास के लिए जमा करा, और इनने क्या करा कि सब लोगों की पासबुक बकायदा बनाई, लेकिन जो बैंक है निमाड़ खड़ी में उसमें इन्होंने पैसे नहीं जमा करे। अच्छा। अब वो लोगों को जब मालूम पड़ा, एक एक दो दो महीने तक मंगते रहे, आज दे रहा हूँ कल दे रहा हूँ, तो उनको शंका हुई, तो उन्होंने निमाड़ खड़ी ब्रांच में जाके चेक करवाया, तो उससे ये मालूम पड़ा कि भाई हमारे खातों में पैसे ही नहीं है, किसी के खाते में 400, किसी का खाता ही नहीं खुला है, किसी के कुछ लोगों के करे भी है जमा जी, लेकिन जो लोग रह गए हैं बेचारे सब मजदूरी वाले लोग हैं, हमारे गांव के लगभग मजदूरी वाले सभी लोग यहीं पे पैसा जमा करते हैं। आप इस गांव के पूर्व उप सरपंच रहे हैं, मेरा आपसे सवाल है, हम तो खैर खंडवा से 60 किलोमीटर दूर से यहाँ आए हुए हैं, तो एक मोटे आंकड़े के तौर पर अपन बात करें तो इस तरह के कितने लोग हैं जिनके साथ इस तरह की धोखाधड़ी, और आसपास के भी दो तीन गांव के लोगों के हो सकते हैं, घोसली है, मथेला है, कुछ है, आसपास के गांव के लोगों ने भी यहां पे एफडी करवाई थी जी। हमारा एक अनुमानित आंकड़ा है 4 करोड़ के आसपास सुलगांव में पैसा जमा हुआ है, जो जो इनकी शाखा में नहीं जमा हुआ है। अच्छा। सिर्फ इनके पास पासबुकों में जमा है, पासबुक में यहाँ के जो कम से कम 300 से ऊपर लोग हैं जो यहाँ से इस पोस्ट ऑफिस से पीड़ित है जी। ठीक है, यहाँ पर हमारी गांव के लोगों से बात हुई, और जो पीड़ित लोग हैं जिनका पैसा यहाँ पर जिन्होंने काफी उम्मीद के साथ जमा कराया था, और वो जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वहां तक के कार्यालय तक के पैसा नहीं पहुंचा, तो सभी लोगों ने अपनी पीड़ा बताई, और यहां पर ये मामला जो प्रकाश में आया तो उसके बाद पोस्ट ऑफिस विभाग के भी अधिकारी इस गांव में पहुंचे हुए हैं, और यहां पर लगातार पोस्ट ऑफिस विभाग के संभागीय अधिकारी और निरीक्षक जाँच कर रहे हैं। तो हमारी इस खबर में फिलहाल इतना ही, हमारी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबा दें, ताकि हर अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। नमस्कार।